हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज हम आपको बताएंगे स्मार्टफोन में लगाए जाने वाले कवर के नुकसान के बारे में। तो शायद आपके लिए वेग हो सकता है, कई लोग मेरे से बिल्कुल सहमत नहीं भी होंगे जो मैं बोलने वाला हूं अभी, कि स्मार्टफोन कवर यूज़ करने के नुकसान क्या हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ जो होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल को ही ले लीजिए, वो बड़े महंगे महंगे कवर अपने वेबसाइट पे लिस्ट करके रखती हैं, जो आप ख़रीदेंगे तो काफ़ी पैसा लग जाएगा। और दूसरी कंपनियां भी अपने ऑफिशियल कवर या फिर दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर के कवर बनाती हैं, तो उनका मोबाइल का ही नहीं बल्कि कवर का भी एक बड़ा बिजनेस चलता है साइड बाय साइड। तो फ़ोन का कवर लगाने का कुछ नुकसान बताता हूँ। जैसे आप फ़ोन को कवर में लगा करके यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि फ़ोन ओवरहीट नॉर्मल के मुकाबले तेज़ी से होता है, क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस नहीं होती और फ़ोन का चारों तरफ से पूरी ब्लॉक रहता है पीछे से बेसिकली। और ये तब होता है जब आप चार्ज पे लगाते हैं, तो आपके आपका फ़ोन अगर कवर में लगा हुआ हो और चार्ज में लगा रहे हो, ओवरहीट हो रहा हो, तो आप अगर कवर निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ओवरहीट होना थोड़ा कम हो जाता है। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है जो बाद में पता चलती है, क्योंकि अब कई सारे स्मार्टफोन्स होते हैं उसका बैक पैनल काफ़ी स्लिपरी होता है, तो उससे आप बिल्कुल बिना कवर के यूज़ नहीं कर सकते, सच बात है। बट काफ़ी समय के बाद उसे आप निकाल करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कवर लगाया था अपने स्क्रैच से बचाने के लिए, बट कवर लगाने की वजह से स्क्रैच हो गया। ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है, बट मैं बताता हूँ कैसे। डस्ट पार्टिकल काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और धीरे धीरे एंटर करते रहते हैं, और आप समय समय पर सफाई तो नहीं ही करते हैं फ़ोन की, मतलब हम नहीं करते हैं आमतौर पे फ़ोन की सफाई हमेशा, तो धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल जा करके और वो स्क्रैचेस बनते रहते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बिल्ड हो जाता है और छोटे 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 स्क्रैचेस लग जाते हैं। तो आप जैसे निकालेंगे बेचने के लिए तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि उस वजह से डस्ट लग चुका और स्क्रैच लग चुका है। तीसरा ये है कि फ़ोन में कवर लगाने पे, हर फ़ोन में तो नहीं बट किसी किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं कि सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाती है फ़ोन का कवर लगाने से। एक और चीज़ है, फ़ोन के कवर एक्सपेंसिव भी होते हैं, और अगर फ़ोन के कवर लगा रहे हैं जैसे ट्रांसपेरेंट कवर लगा रहे हैं तो वो काफ़ी जल्दी पीले पड़ जाते हैं। तो 500 रुपए के जो कवर मार्केट में होते हैं ट्रांसपेरेंट, वो पीला पड़ने की भी शिकायत होती है, तो आपको बार बार कवर चेंज करना होगा। ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपने फ़ोन पे तो 40-50 हज़ार रुपये या फिर 10-20 हज़ार रुपये खर्च किए, उसके बाद आप फ़ोन के कवर पे खर्च कर रहे हैं। आपका ये लॉजिक हो सकता है कि फ़ोन अगर गिर जाए टूट जाए तो उससे तो बढ़िया है ना भैया कि कवर हमने लगा लिया, वो भी बात सही है। तो चौथे प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ, वो ये है कि आपने फ़ोन ख़रीदा, इनफैक्ट फ़ोन की जो कंपनियां हैं अपने डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं, और वही मार्केटिंग भी होता है कि ये फ़ोन ऐसा दिख रहा है ये है। तो या तो आप ट्रांसपेरेंट कवर लगाएंगे ताकि आपके बैक पैनल, आपका बैक पैनल फ़ोन का दिखता रहे, क्योंकि आपने पैसा भी लगाया तो जाहिर सी बात है कि अच्छा दिखने में लगेगा, यूज़ करने में लगेगा। और एक बात क्लियर है कि अगर आप कोई भी फ़ोन कवर लगा करके यूज़ करते हैं तो उसका जो लुक एंड फील है, जो टच एंड फील होता है, वो ख़राब हो जाता है डेफिनेटली, वो आपको ऐसी एक्सपीरियंस नहीं मिलती। और फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फ़ोन्स हैं जैसे नथिंग का फ़ोन, नथिंग फ़ोन 1 है, उसमें अगर आपने कवर लगा दिया तो उसके पीछे का पूरा बैक पैनल ही, मतलब जिस वजह से उसकी आइडेंटिटी है, ग्लिफ इंटरफेस है, लाइटिंग है, LEDs वगैरह लगी हैं, तो वो काम ही नहीं आएगा। तो कई सारे ऐसे डिज़ाइनर अच्छे दिखने वाले फ़ोन पर अगर आपने कवर लगा दिया तो भद्दा लगेगा, तो ये भी एक डाउनसाइड है। अब जैसा कि मैंने बीच में बोला कि इसका आपके पास बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं कि अगर फ़ोन टूट गया, गिर गया तो नुकसान से बच, सही बात है बिल्कुल। हम इनफैक्ट एक बार फ़ोन के कवर लगाने के फ़ायदे, जो कि आप जानते ही होंगे, स्टोरीज़ कर चुका हूँ, कई सारे वीडियोस भी बना चुका हूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना आपको ये बताया जाए कि फ़ोन कवर लगाने के नुकसान भी हैं। तो आप भी कमेंट में बताएं, इसके अलावा और कोई नुकसान आपने फेस किया है तो वो भी बताएं, अगर आपको लगता है, क्या लगता है, फ़ायदा है नुकसान है, वो भी कमेंट में बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया, और कल एक नया वीडियो फिर से आपके पास आ जाएगा।